a South Asian Canadian channel. पंजाब दे मुख्यमंत्री अज शहीद आजम भगत सिंह दी शहीदी दिहाड़े उत्ते भगत सिंह दे जद्दी पिंड खटकल कलां पुजे। इस मौके उन्हां वलों शहीद भगत सिंह जी नूं श्रद्धांजलि भेट कीती गई। इस मौके इनकलाब जिंदाबाद दे नारे भी लगाए गए। इस खास मौके ते आम लोग भी पहुंचे। इस मौके उन्हां पत्रकारां नाल गलबात करदे होए कहा कि शहीद भगत सिंह दे सुपनिया नूं घर घर पहुंचाउण लई आम आदमी पार्टी दिन रात मेहनत कर रही है। उन्हां कहा कि बहुत सारे फैसले सरकार वलों लै ले गए हन अते बहुत सारे फैसले अजे बाकी करने ने। उन्हां कहा कि फैसलियां नूं लोक खिड़े मत्थे प्रवान कर रहे ने अते 3 करोड़ दा सिर्फ उन्हां नूं सहयोग चाहिदा है। इत्थे इह वी दस दईए कि खटकल कलां पुज्जण तों पहलां भगवंत मान हुसैनीवाला विखे पहुंचे सन जिथे उन्हां नूं शहीदां नूं सिजदा भी कीता। अपनी जवानी दे दिनां च देश दे लई माइक का माइक आ रिहा तुहाडे नाल और उहनां दी गरीबी बेरोजगारी महंगाई तरह तरह दी मुश्किलां ने जिन्हां अंग्रेजां नूं कढ़न लई भगत सिंह वर्गे हजारां योध्यां ने कुर्बानियां दित्तियां। अज्ज असीं हाईलाइट्स करके उन्हां कोल जा रहे हैं। कारण कितें ना कितें यह है कि साडे असीं सिस्टम नूं ठीक नहीं कर पाए। सो अज्ज दे दिन वड्डा दिन है। सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि असीं मैं जिवें फैसला कीता सी ऐलान कीता सी कि अज्ज दे दिन असीं एक नंबर जारी करांगे जिहनूं कहांगे कि एंटी करप्शन एक्शन लाइन। वो नंबर अज जारी कर रहे हैं। उस नंबर पर वीडियो भेज के ज आडियो भेज के जो कोई तुहाडे तो रिश्वत मंगता या कमीशन मंगता है साडा स्टाफ उसकी जांच करूगा। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਹੋਵੇ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋਵੇ ਸਰ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋਵੇ ਸਰ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਯਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਯਾਰ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਅਜੇ ਪਏ ਨੇ ਬਾਕੀ ਔਰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ।